मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। सैकड़ों परवाजें मनसूख, हाईवेज पर गाड़ियों के तसादुम के दर्जनों वाकयात रिपोर्ट। जीटीए में 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को मुजाहरीन ने घेर लिया। ट्रूडो ने मुजाहरीन को मुट्ठी भर अकलियत करार दे दिया। ट्रूडो का कहना था, हम मुट्ठी भर नाराज लोगों को जमहूरी अमल में मदाखलत नहीं करने देंगे। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार फिर शरह सूद में इजाफा कर दिया। शरह सूद में इजाफे का मकसद सख्ती से बुलंद अफराते जर को कम करना है। गवर्नर बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि मामूली इजाफे के साथ हम शरह में इजाफे को रोकने की तवक्को रखते हैं। दो साल पाबंदी के बाद ट्रंप की फेसबुक पर वापसी। ट्रंप का कहना है, किसी भी अमरीकी सदर के फेसबुक इस्तेमाल करने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेटा का कहना है कि पाबंदी उठाए जाने के बाद नए हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी। अमरीका और इसराइल की फौजी मशकें। मशकों में 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे, एक दर्जन बहरी जहाज और मिजाइल लॉन्चर्स हिस्सा लेंगे। अमरीकी लड़ाका तैयारे अहदाफ को 100 टन धमाका खेज मवाद से निशाना बनाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा के तूफान के सबब होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा के तूफान के सबब होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बर्फबारी के नतीजे में परवाजें मनसूख, सड़कों पर फिसलन और गाड़ियों के हादसे रिपोर्ट हुए, जबकि इतवार के रोज शहर में मजीद बर्फबारी की पेशगोई है। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि टोरंटो के पेरिसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे से रात 8 बजे के दरमियान 10 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी। विफाकी मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि ब्रैम्पटन में 15 सेंटीमीटर, ओकवेल में 16 सेंटीमीटर और वाइबिटी में 15 सेंटीमीटर बर्फबारी इसी मुद्दत के दौरान रिपोर्ट की गई। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक जीटीए में 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। माहरीन मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी ने विंडसर से ऑटावा तक के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। बर्फबारी की वार्निंग रात 8 बजे तक बरकरार है, क्योंकि मजीद बर्फबारी की पेशगोई है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक कुछ इलाकों में शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। बर्फबारी के बाइस सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। पियर्सन हवाई अड्डे ने अपनी वेबसाइट पर इत्तला दी है कि बुध के रोज उसकी 26% से ज्यादा रवानगी और उसकी 27% से ज्यादा आमद को एयरलाइंस ने मनसूख कर दिया था, जबकि हाईवेज पर तसादुम के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। पुलिस ने शहरियों को सफर से पहले सूरत हाल चेक करने का मशवरा दिया है। दरी असना गो ट्रांजिट का कहना है कि वो मुसाफरों के लिए काबिल एतमाद और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक कम और एडजस्ट शेड्यूल पर काम कर रहा है। टीटीसी ने यह भी कहा कि पहाड़ी इलाकों में वाकया 41 बस स्टॉप जो बर्फ में बसों के लिए जाना मुश्किल है को दोपहर 1:15 तक सर्विस से हटा दिया गया था। यॉर्क रीजन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड और यॉर्क कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने इस दौरान कहा कि स्कूल बसें जुमेरात के लिए मनसूख कर दी गई हैं, लेकिन स्कूल खुले रहेंगे। बुध की सुपहर शहर ने कहा कि पूरे शहर में नमकीन कारी की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, जबकि स्कारब्रो में फुटपाथ, बाइक लेन और बस स्टॉप की सफाई शुरू हो गई है। शहरी हुकूमत ने प्रेस रिलीज में कहा, शहर मौसम की पेशगोई और सड़क के हालात की निगरानी कर रहा है
और ज़रूरत के मुताबिक अमला और सामान तैनात कर रहा है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हैमिल्टन के एक रेस्तरां के बाहर उनके खिलाफ मुजाहरा करने वाले एक ग्रुप को मुट्ठी भर नाराज लोग करार दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हैमिल्टन के एक रेस्तरां के बाहर उनके खिलाफ मुजाहरा करने वाले एक ग्रुप को मुट्ठी भर नाराज लोग करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो में दिखाया गया है कि वज़ीर आज़म जैक्सन स्क्वायर, जेम्स स्ट्रीट और यॉर्क ब्लूवार्ड के करीब वाकिया प्लाजा में जाते हैं, जबकि लोगों का एक बड़ा ग्रुप उनके खिलाफ नारेबाजी करता है। वीडियो में वर्दी पोश अफसरान ट्रूडो की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो सड़क से महफूज तरीके से गुजर सकें। ट्रूडो के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए मुजाहरीन के छोटे ग्रुप को जालिम और गद्दार जैसे अलकाबात इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। बहुत से मुजाहरीन को कनाडा के झंडे उठाए हुए देखा जा सकता है। मुजाहरीन में से एक ने हमें पसंद है किनारे का झंडा उठा रखा था, जिसका हवाला उस वक्त था जब ट्रूडो ने ऑटोवा में ट्रक ड्राइवरों के काफिले में शामिल लोगों को लोगों की अक्सरियती अकलियत कहा था। सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रूडो ने इस बात का आदा किया कि शहर में जहां भी गए ज्यादातर लोगों की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। एक रिपोर्टर की तरफ से उनसे पूछा गया कि क्या वो महसूस करते हैं कि ये वाकया एक महफूज सूरत हाल है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुट्ठी भर नाराज लोग इस बात की वजाहत नहीं करते कि हैमिल्टन क्या है या इस मुल्क में जमहूरियत क्या है। मैंने यहाँ हैमिल्टन में जो इस्तकबाल देखा वो गैर मामूली था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस गुस्से की वजह से कम बड़े खुले प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, तो ट्रूडो ने जवाब दिया कि नहीं। उनका कहना था, हम मुट्ठी भर नाराज लोगों को जमहूरी अमल में मदाखलत नहीं करने देंगे, जिस पर कैनेडियन हमेशा फख्र करते रहे हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार फिर शरह सूद में इजाफा कर दिया है। बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी बेंचमार्क सूद की शरह को दोबारा बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार फिर शरह सूद में इजाफा कर दिया है। बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी बेंचमार्क सूद की शरह को दोबारा बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। इक्तिसादी माहरीन की तरफ से इस इकदाम की बड़े पैमाने पर तवक्को की जा रही थी, क्योंकि रिकॉर्ड बुलंद अफराते ज़र को रोकने की कोशिश करता है। शरहों में इजाफे का मकसद सख्ती से बुलंद अफराते ज़र को कम करना है, जो मौसम गर्मा में उरूज पर थी और इसके बाद से इसमें मुसलसल कमी आ रही है। लेकिन बहुत से माहरीन इक्तिसादियात का ख्याल है कि मईशत को लगने वाले झटके कसाद बाजारी का बाइस बन सकते हैं। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकेलम का कहना था कि हमने तेज़ी से शरहें बढ़ा दी हैं और अब वक्त आ गया है कि रोका जाए और अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी अफराते ज़र को 2% हदफ तक वापस लाने के लिए काफ़ी हद तक महदूद है। एक साल से भी कम अरसे में यह 8वां मौका है जब बैंक ने अपनी ट्रेंड सेटिंग की शरह में इजाफा किया है, एक ऐसा इकदाम जिससे कर्ज लेने की रकम ज़्यादा महंगी हो जाएगी। लेकिन फीसद पॉइंट के 1/4 पर यह मार्च के बाद सबसे छोटा इजाफा भी है और इस तरह इस बात की अलामत है कि थोड़े अरसे के लिए हाइकिंग रेट ही तवक्को की जा सकती है। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकेलम का कहना था कि आज के मामूली इजाफे के साथ हम शरह में इजाफे को रोकने की तवक्को रखते हैं, जबकि हम पहले से शुरू की गई काफ़ी सख्त मालियाती पॉलिसी के असरात का जायजा लेते हैं। उन्होंने कहा, वाज़ेह तौर पर यह एक मशरूत तवक्फ है, यह हमारे नुक्ता नज़र के साथ इक्तिसादी पेशरफ पर मशरूत है। अगर हमें अफराते ज़र को 2% के हदफ तक पहुंचाने के लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे। 2 साल पाबंदी के बाद आखिरकार साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फेसबुक पर वापसी हो गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि किसी भी अमरीकी सदर पर फेसबुक इस्तेमाल करने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। 2 साल पाबंदी के बाद आखिरकार साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फेसबुक पर वापसी हो गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि किसी भी अमरीकी सदर पर फेसबुक इस्तेमाल करने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने ऐलान किया कि वो जल्द ही साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को दोबारा बहाल करने की इजाज़त देने का इरादा रखती है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने ऐलान किया है कि वो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2 साल मौतली ख़त्म कर रही है। 2021 में साबिक अमरीकी सदर पर उन सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल पर पाबंदी कैपिटल हिल की इमारत पर उनके हामियों के धावे के बाद आयद की गई थी। मेटा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि हम आने वाले हफ्तों में मिस्टर ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को दोबारा फॉल करेंगे। मेटा ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि ट्रंप की मौतली गैर मामूली हालात में ली गई गैर मामूली फैसला था।
कंपनी ने कहा कि अब ट्रंप को आने वाले हफ्तों में प्लेटफॉर्म पर वापस आने की इजाज़त दी जा रही है। मेटा के बैन अलावी उमूर के सरबराह की तरफ से एक बयान में कहा गया कि पाबंदी उठाए जाने के बाद नए हिफाजती इकदाम किए जाएंगे ताकि दोबारा इस तरह की खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। प्लेटफॉर्म की पॉलिसियों की हर खिलाफ वर्जी पर रिपब्लिकन लीडर का अकाउंट 2 साल तक के लिए मुअत्तल किया जा सकता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 2 साल की मुद्दत के लिए आयद पाबंदी हटाने के ऐलान पर अपने रद्द अमल में साबिक अमरीकी सदर ने यह ऐलान किया है कि किसी भी सदर पर दोबारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अभी ये वाजे नहीं कि जब ट्रंप सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान करेंगे तो वो इस प्लेटफॉर्म पर वापस आना चाहेंगे या नहीं। वाजे रहे, फेसबुक पर ट्रंप की मौतली इब्तदाई तौर पर 7 जनवरी 2021 को नाफिज की गई थी, जिस दिन ट्रंप के हामियों ने बाइडन से हारने पर 2020 के सदारती इंतखाबात की सर्टिफिकेशन में खलल डालने की कोशिश करते हुए अमरीकी कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए इसराइल और अमरीका ने मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए इसराइल और अमरीका ने मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमरीका के तैयारों ने फलस्तीन के सहराए अल नक में मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर दिया, जिसमें 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे, 1 दर्जन बहरी जहाज और मिसाइल लॉन्चर्स हिस्सा लेंगे। इजरायली अखबार की रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान अमरीकी लड़ाका तैयारे सहराए अल नक में अहदाफ को 100 टन धमाका खेज मवाद से निशाना बनाएंगे। दूसरी जानब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इजरायली फौज के साथ मुश्तरका मशकें शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि इन मशकों का मकसद दोनों ममालिक की इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी अपनी अफवाज की जंगी तैयारियों को बेहतर करना है। ख्याल रहे कि इसराइल कई बार ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है और वजीर दिफा ने यहाँ तक ये भी कहा था कि ये काम अकेले इसराइल को करना पड़ा तो अमरीका का इंतजार नहीं करेंगे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Precise and effective.